भेदी प्राणायाम तनाव मुक्त करता है ये प्राणायाम हमें, क्योंकि हम मानसिक बहुत त्रस्त रहते हैं। पहले तो हम घबर जाते हैं कुछ भी होता है तो, अभी भी थोड़ा सा भी होगा चलो हमें पहले नेगेटिविटी आती है, तो ये पूरा हमारा निकल जाने के लिए थोड़ा गगन भेदी हम प्राणायाम पहले हम देखेंगे। आपका मैंने लिया है ऐसा दो तीन टाइम तो हुआ है हमारा, पहले तो मैंने वज्रासन में मैं बैठी हूँ, जिनको ज़्यादा हम वज्रासन में नहीं बैठ सकते यानी ज़्यादा घुटनों में दर्द है वो तो नहीं बैठेंगे। जैसे आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं या आप नीचे भी बैठकर सिंपल भी हम कर सकते हैं। पहले मैं वज्रासन में बैठी हूँ, उसके बाद मैंने हस्ती मुद्रा लगाई है, लेफ्ट हाथ की अंगूठे का जो अग्रभाग है वो मैंने छोटी उंगली के नीचे मूल पर रखा है और बंद किया है चारों उंगलियों को। उसके बाद इधर से जो लेफ्ट पैर का हमारा घुटना है उधर से मैंने चार उंगली छोड़कर मुट्ठी को रखा है। इसका जो कोमल भाग है वो हमारे ये गद्दी पर लगनी चाहिए, थाइस के गद्दी पर हमें रखना है। अभी राइट हाथ का देखो, ये मैंने चार उंगलियां बंद की, मैंने राइट नासिका को नासापुट को ऐसा बंद किया है पूरा। हाँ, मैंने मुंह से श्वास भरा, होठों को दबाते हुए अंदर की तरफ दबाना है और श्वास को अंदर ही लिया हमने। उसके बाद हमें नाक से श्वास को छोड़ना है, लेफ्ट की तरफ से नाक से श्वास को छोड़ना है। छोड़ते हुए हमें ओम का उच्चारण कंठ से करना है। समझ में आया सबको? अभी हम शुरू करेंगे, पहले मैंने नाक में रखा, उसके बाद श्वास भरो। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं कंठ से तब पेट को धीरे धीरे अंदर लेना है और आधा चंद्रमा का हमें ध्यान करना है। फिर से श्वास भरेंगे मुंह से। आंखों को नहीं खोलना है, पूरे मस्तिष्क में हमें वाइब्रेट होता है पूरा मस्तिष्क, बहुत फायदे इसके होते हैं, उसका फायदा मैं बताती हूँ आपको। अभी हमने पहले राइट नासिका को बंद करके किया, अभी हम लेफ्ट से वही क्रिया करने वाले हैं। पहले मैंने राइट हाथ की हस्ती मुद्रा लगाई, वैसे ही क्रिया हमें करनी है। उसके बाद लेफ्ट हाथ अंगूठा इधर बंद करेंगे, मुंह से श्वास भरते हुए मैंने बोला है ओम का उच्चारण करते समय सामने आधा चंद्रमा का ध्यान करेंगे और पेट को धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अंदर लेना है। फिर से पेट को ढीला छोड़ना है, सेकेंड श्वास लेना है और सेकेंड ओम हमें चालू करना है। श्वास भरना है पहले, आंखों को नहीं खोलेंगे, हमें इफेक्ट को देखना है।
इसके बाद मैं आपको इसके फायदे भी मैं बताती हूँ, हर रोज मैं लेती हूँ तब आपको बताती हूँ कि पहले तो हम पूरे तनाव मुक्त हो जाते हैं और जिनको भी नेत्र ज्योति हमारी बढ़ती है, आंखों के लिए भी बहुत अच्छा प्राणायाम है और पूरा ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है मस्तिष्क में, तो मस्तिष्क से जो भी रिलेटेड रोग है वो पूरे विकार है वो पूरे निकल जाते हैं, जैसे सिर दर्द भी होता है और कभी कभी मिर्गी, मिर्गी के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है ये गगनभेदी प्राणायाम, और हाई बीपी और लो बीपी के लिए भी ये प्राणायाम से लाभ होता है, और जो भी हमारे हाथ पैर में कंपन रहती है वो भी पूरी निकल जाती है, बहुत अच्छा प्राणायाम है और ज़्यादा से ज़्यादा तनाव मुक्त करने वाला प्राणायाम है।